दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली। दीप का अर्थ होता है दिया और आवली का अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात पंक्ति में दिया इस तरह से जलता है जिससे संपूर्ण वातावरण में प्रकाश ही प्रकाश दिखलाई पड़ता है। दुर्गा पूजा का समापन होते ही भारतवर्ष में दीपावली की तैयारी शुरू हो जाती है। चारों तरफ सफाई की जाती है जिससे संपूर्ण वातावरण जगमगा उठता है। आज भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दीपावली काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास में दीपावली मनाया जाता है, इसका धार्मिक महत्व भी बताया गया। जब श्री रामचंद्र जी रावण को पराजित कर अपना राज्य अयोध्या लौटे थे तो उनके सम्मान के लिए चारों तरफ दीप जलाया गया था जिससे अयोध्या ऐसा लग रहा था कि मानो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखलाई पड़ रहा था। आज संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार काफ़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। यह भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस त्यौहार को काफ़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। यह अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाता है। हम यह समझते हैं कि जिंदगी में अंधेरा को हटाना है और प्रकाश को लाना है जिससे संपूर्ण वातावरण ऐसा बने हम सही पूर्वक रहें और अपना कार्य करें। दूसरी बात यह है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था तो उस दिन चारों तरफ दीप जलाया गया था जिससे उनको सम्मान मिल सके। इस तरह से आज हम सभी काफ़ी श्रद्धापूर्वक दीपावली मनाते हैं। बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है। हम सभी को एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे समाज, परिवार और देश का कल्याण हो सके, तभी दीपावली मनाने का सही अर्थ हो सकता है। धन्यवाद।